और शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपनी चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उस पर वॉच टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो शॉर्ट वीडियो पर वॉच टाइम बहुत कम आती है। और वॉच टाइम तभी काउंट होती है जब आपकी वीडियो जो है ब्राउज फीचर से देखी जाती है। और आपकी वीडियो जब ब्राउज फीचर पर जाएगी और आपकी थंबनेल ही नहीं होगी तो लोग क्लिक कैसे करेंगे? आपको आपकी थंबनेल होना ज़रूरी है। जब आपकी थंबनेल्स लोग देख करके पसंद करेंगे, नहीं इसके अंदर कुछ है, क्लिक करेंगे तभी ना आपकी व्यूज़ आएंगी और उस पर जो है वॉच टाइम काउंट होगी। और ये रूल्स भी हैं दोस्तों, अगर आपकी वीडियोस ब्राउज फीचर से नहीं देखी जाती हैं तो उस पर वॉच टाइम काउंट नहीं होती है। ये सभी कहते हैं और ये रूल्स भी है, यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप शॉर्ट वीडियो के साथ साथ अपनी वॉच टाइम भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको थंबनेल्स लगाना होगा अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप शॉर्ट वीडियो के अंदर थंबनेल्स नहीं लगाएंगे आपकी वीडियोस पर व्यूज़ कम आएंगे और आपकी वॉच टाइम काउंट नहीं होगी। आप अपनी YT स्टूडियो के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं, आप अगर शॉर्ट चैनल भी रन कर रहे हैं तो उस पर वॉच टाइम ज़रूर दिखती है। अगर शॉर्ट वीडियो पर वॉच टाइम काउंट नहीं होती है, ये वॉच टाइम कैसे दिख रही है? इसका मतलब यही है ना कि आपकी वीडियोस जो है ब्राउज फीचर से देखी जाती है तभी आपकी YT स्टूडियो पर यहाँ पर वॉच टाइम शो हो रही है, जो कि बहुत कम होती है। और वॉच टाइम कम होने की वजह यही है कि आपकी वीडियो ब्राउज फीचर पर तो जा रही है लेकिन लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर थंबनेल नहीं है और कुछ भी दिखा दे रही है, कि मतलब ऐसे रेंडमली होता है ना, कुछ दिखती है तो लोग ऐसे क्लिक नहीं करते हैं। तो आपको थंबनेल एक बढ़िया सा लगाना होता है वहाँ पर, तभी जाकर लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं उस पर और लोग वीडियो पूरा देखते हैं और तभी आपकी वॉच टाइम काउंट होती है।